वाले मसले पर आज क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो संविधान दिवस, उसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं। जहां आज संविधान दिवस के दिन उत्सव मनाया जा रहा था, सच्चा उत्सव तभी है जब संविधान के रास्ते पर चलें। संविधान के रास्ते पे चलने में ही उत्सव मनाना है, और हम सब समाजवादी लोग हैं, सच्चे समाजवादी संविधानवादी लोग हैं। हम वो समाजवादी लोग नहीं जो संविधान को कोरा कागज समझते हों। ये संविधान जिसने हमें रास्ता दिखाया, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान, जिससे हमें समय समय पे अधिकार मिलते हैं, हमारी संविधान रक्षा करता है, संविधान हमारा संजीवनी है, संविधान हमारे पीढ़ी का प्रकाश स्तंभ है, तो संविधान के प्रति हमारा पूरा सम्मान है। और उस समय उत्सव मनाना जब संभल में जिस तरह का काम सरकार ने किया है, जाने चली गई हैं, गम के साय में कैसे उत्सव मनाया जा सकता है? जहां जाने चली गई और इन्हें न्याय नहीं मिल रहा है, तमाम हजारों लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया जा रहा है, वहां के सांसद, वहां के विधायक और उनके पुत्र पर झूठे मुकदमे लगाए रहे हैं। पूरी गलती है तो वो सरकार की है। सर्वे जब एक बार हो चुका था, फिर दोबारा सर्वे क्यों करना? और अगर दोबारा सर्वे भी करना था तो आपस में बैठ करके बातचीत की जा सकती थी, बातचीत कर करके जो बातें रह गई थी उनका दोबारा सर्वे कराया जा सकता था। सर्वे के खिलाफ नहीं थे, लेकिन जिस तरह का सर्वे करते समय जो टीम के पीछे नारे लगा रहे थे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? क्या सर्वे के साथ और सर्वे टीम के साथ बीजेपी के कार्यकर्ता थे जो भड़का रहे थे, क्या उनके पास ऊपर कार्रवाई हुई? क्या उनको गिरफ्तार किया गया? क्या उनको जेल भेज दिया गया? विपक्ष न जाए वहां पे, वहां पर जो लोग परेशानी और तकलीफ में हैं, उनकी बात न सुन पाए, इसलिए इंटरनेट बंद है, वहां पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे दो दो लीडर ऑपोजिशन हैं दोनों हाउस के, दोनों जाना चाहते हैं आज, लेकिन दोनों को जाने की परमिशन नहीं दे रहे हैं। अगर हम भी अगर यहां से चल दें, मान लीजिए अभी गेट बंद कर देंगे, हमारे सभी सांसद चाहते हैं कि हम जाएं आज संभल। अगर हम संभल जाने के कहेंगे तो कहेंगे संविधान नहीं मानते, कानून नहीं मानते, सरकार का नहीं मानते। तो ये भारतीय जनता पार्टी के वो लोग हैं जो मन विधान से चलना चाहते हैं, संविधान से नहीं।